हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होटल गुरु जी चैनल। तो क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ पहाड़ी स्टाइल मटन करी। मैं नहीं बना रहा हूँ, मेरे जो फ्रेंड आ रहे हैं आज वो बना रहे हैं पहाड़ी स्टाइल मटन करी। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं कैसी बनेगी पहाड़ी स्टाइल मटन करी। चलो फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। चलिए फिर। तो फ्रेंड्स, ये ले लिया हमने कुकर, आज बना रहे हैं मटन करी कुकर में ही बना रहे हैं। तो ये हमने कुकर ले लिया है, प्रेशर कुकर। इसमें डाल दें हमने ऑयल, तेल, तेल ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, कम ही तेल डाल रहे हैं। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें डाल देंगे सारे खड़े मसाले, जीरा, ग्रीन इलायची, ब्लैक इलायची, काली वाली इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, स्टार फूल, जावित्री, सब डाल देंगे इसमें। हमने हल्का इसे क्रश कर दिया है। ये तेज़पत्ता हमने ऊपर से डाल दिया। अब इसको हल्का भुनने देंगे ताकि ये अपना फ्लेवर छोड़ दें। ये भुन गया है, अब डाल देंगे इसमें प्याज, ऑनियन, ये चॉप अनियन है। अगर किसी को कटिंग का पता नहीं है तो मैं वीडियो आई बटन में डाल दूंगा चॉप कटिंग की, सारी कटिंगों की वीडियो डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं ये कटिंग कौन सी है, चॉप कटिंग है ये। अब इसको ब्राउन होने देंगे। अब इसमें हमने हरी मिर्च डाल दी चॉप करके। इसको भी अच्छे तरीके से इसके साथ भून लेंगे। ये देख लीजिए, इस 5 मिनट के बाद हल्का सा कलर आने लग गया इस पर। ये बहुत देर तक पकाना पड़ेगा आपको, बहुत देर तक भूनना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि 1 या 2 मिनट में हो जाएगा, मैंने वीडियो फास्ट कर रखी है, ये मत सोचिए कि एकदम हो जाएगा, टाइम लगेगा इसमें भुनने में। अब हम इसमें डाल दे रहे हैं लहसुन, अदरक चॉप, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे, पेस्ट डालेंगे तो अच्छा रहेगा, पर हम पहाड़ी स्टाइल बना रहे हैं तो हम इसलिए चॉप ही डालेंगे क्योंकि पहाड़ों में ग्राइंडर मिक्सर नहीं होते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। अगर आप मटन करी बना रहे हैं ये वाली, बिल्कुल पेशेंस रखें, टाइम लगेगा। ये देख लीजिए, भुन रहा है बिल्कुल, देखो ब्राउन कैसा हो रहा है ये। अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर, चॉप टमाटर करा हमने, आप इसकी जगह पेस्ट भी डाल सकते हैं वैसे, पर इस तरीके से डालने में इसको ढंग से भुनाई मिलेगी।
जो होटल स्टाइल होती है मटन करी उसमें जो प्याज होता है जूलियन प्याज जाता है और जो टमाटर है वो पेस्ट जाता है। यही फर्क है पहाड़ी में और होटल स्टाइल डबल रेस्टोरेंट स्टाइल और अदर करी में। और सारा जितना भी होगा ऐसे ही बनेगा। अब इसको हम थोड़ा देर ढक लेंगे, ढकने के बाद फिर से इसको भूनना है, भूनता ही रहेगा ये। ढकना ज़्यादा देर नहीं है, नीचे लग सकता है तो थोड़ा ही 2-3 मिनट या 4 मिनट ढकें, उसके बाद फिर से खोल के चेक कर लें, बीच बीच में चेक ज़रूर करें और इसको ज़रूर हिलाएं ताकि ये लगे ना नीचे। नमक आपको अपने हिसाब से स्वाद अनुसार डालना है। ये मैंने इसमें मसाले डाल रहा हूँ, हल्दी हो गई और धनिया हो गया। हल्दी मैंने पहले डाल दी है, ये धनिया डाल दिया मैंने। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये है देगी मिर्च, कश्मीरी चिल्ली बोलते हैं इसको। अब इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे मसालों के साथ, प्याज को टमाटर को। इसमें भुनाई प्याज टमाटर की ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा भुनाई होती है इसमें। इसमें हल्का डाल दिया हमने पानी अब, ताकि जो टमाटर हैं वो मैश हो जाएं। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक लेंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद फिर हमने खोल दिया ये 5 मिनट के बाद। ये देख लीजिए, अब इसमें डाल देंगे हम मटन। मटन हमने पहले बाहर से काट कूट के लाया है, इसको धो दें अच्छी तरीके से। बाहर से लाएं तो धो दें पहले अच्छी तरीके से मटन को और फिर इसमें यूज करें। मटन का जो ब्लड है, मटन का ब्लड सब निकाल दें, धो धा के अच्छे तरीके से, उसके बाद इसमें डालें। अब इसको ढंग से फिर से भून लें, मिक्स करें अच्छी तरीके से। हमने ये ढक दिया है, पानी इसमें बॉल में रखा है, फिर 5 मिनट बाद ये निकाल दिया है, पानी भी गर्म हो गया है और मटन भी ढक दिया हमने इस बॉल से। वो मैं बाद में बताऊंगा आपको पानी किस लिए रखा था, गर्म होने के लिए ऊपर। अब फिर से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं ताकि ये नीचे लगे ना। अब इसको फिर से ढक लेंगे, फिर 5 मिनट बाद फिर निकाल लेंगे। ये देख लीजिए कितना पानी हो गया ना, हमने पानी डाला भी नहीं, इसमें पानी हो गया है क्योंकि मटन ने भी अपना पानी छोड़ा है। ये देख लीजिए पानी इसमें बहुत हो गया है, पानी डाला नहीं हमने, देखा होगा आपने पानी डाला नहीं है अभी, उतने ही पानी डाला था जितने टमाटर में डाला था, टमाटर प्याज के मसाले में 1 कप पानी डाला था। अब फिर से हमने ढक दिया ये, फिर से 5 मिनट बाद हमने खोल लेंगे इसको। ये देख लीजिए कितनी ग्रेवी हो गई इसमें, क्योंकि मटन में भी पानी रहता है, आपने मटन को धोया होगा पानी में तो उसमें भी पानी रह जाएगा थोड़ा बहुत। फिर से इसको अच्छी तरीके से हिला लें, मिक्स कर लें 5-5 मिनट के बाद, चेक करें बार बार अच्छी तरीके से, भुनाई करें इसकी। जो प्याज टमाटर है उसका पता नहीं चलेगा इसमें, वो मैश हो जाएगा।
फिर से ढक दिया हमने, फिर से निकाल दिया है 5 मिनट के बाद, फिर से निकाल दिया है उसका ढक्कन, मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से फिर से। और इसमें जो पानी ऊपर रखा था गर्म होने के लिए वो हमने मटन में डाल दिया है, पानी गर्म भी हो गया और ढक्कन भी लग गया था उससे। अब ये जो पानी गर्म हुआ है वो हमने इसमें डाल दिया है मटन में। अब इसमें लगा लेंगे ढक्कन, अब इसमें लगाएंगे 4 सीटियाँ, 4 सीटी के बाद आपका मटन बिल्कुल गल जाएगा। अब इसको हम खोल रहे हैं, ये देख लीजिए मटन रेडी हो गया हमारा, बिल्कुल गल गया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब हम इसको सर्व कर लिया है एक बॉल में, ये देख लीजिए कितना अच्छा कलर आया है, ये हमने आपको प्लेट में दिखा दिया है। मटन हो गया रेडी हमारा, पहाड़ी स्टाइल मटन रेडी है, मटन करी। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो घंटे का जो बटन है वो भी दबा दे ऑल वाला, ताकि आपको मेरी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे, नई नई वीडियो मिलती रहे। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर कर लें यार, शेयर भी कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और आप लोग, बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।